उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के मदनपुर थाना क्षेत्र बाराओ चौराहे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुकान से टकरा गया। इसमें दो लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त की है जब लोग अलाव सेक रहे थे। लोग जब तक कुछ समझ पाते ट्रेलर उनकी ओर घूम गई और अशोक मधेशिया की दुकान में जा टकराई जिसमें अलाव सेक रहे बासुआ गांव के निवासी गौरी गौड़ और सुनील मधेशिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पारस पांडे की रास्ते में मौत हो गई। घटनास्थल पर एसपी संकल्प शर्मा और एएसपी राजेश कुमार तमाम अधिकारी पहुंचकर मामले की अब जांच कर रहे हैं। मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकरा कर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे तीन लोग खड़े थे उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज़ कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है।